बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। एक बहुत मेगा काम है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस आइकॉनिक रोड को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मान्यता मिली थी और आज ये काम धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अभी 63% पूरा हुआ है, लेकिन जिस तेजी से वो हो रहा है मुझे विश्वास है कि पूरा समय में ये कंप्लीट होगा। विशेष रूप से पिछले एक महीने में एक रिकॉर्ड काम यहाँ पर हुआ है और इसी गति से अगर काम हुआ तो हम लोग देख सकते हैं कि जो टनल है उसका काम करीब कंप्लीशन पर है। बहुत अच्छा काम टनल का हुआ है, देश की सबसे बड़ी टनल बनी है। जो प्रोमोनाड बन रहा है वो देश का एक सबसे बड़ा प्रोमोनाड यहाँ पर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि गार्डन भी सबका सबसे बड़ा देश का बनेगा, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। सर, व्यू के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ियां जब चलेंगी तो काफी बेहतरीन व्यू देखेगा, उसको मद्देनजर किस तरह से ध्यान में रखा? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय मोदी जी की सरकार ने इसको मंजूरी दी उस समय उन्होंने एक हमारे सामने शर्त रखी थी कि इतनी बड़ी स्पेस जो क्रिएट हो रही है ये स्पेस कहीं पर भी रियल एस्टेट में इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ये ग्रीन स्पेसेस में कन्वर्ट होनी चाहिए। इसलिए पूरी ग्रीन स्पेसेस कन्वर्ट हो रही है तो बहुत सुंदर व्यू रहेगा। सर, लेकिन जिस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि मतलब आपने जैसे कहा कि ग्रीन स्पेस मुंबई में काफी कम है, 3 महीने सरकार को हो चुके हैं, 3 महीने में जिस तरह से रफ्तार की कामें दिखाई दे रही, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब रफ्तार की आपने बात की इसलिए कहता हूँ कि पिछले महीने में इस प्रोजेक्ट में जो टनल है उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम हुआ है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार हुआ, इतना काम किया है। तो हमारी सरकार जो वो रफ्तार से ही काम करने वाली सरकार।